नमस्कार किसान भाइयों आज हम जैसे कि आजकल देखते हैं कि समस्या रहती है कि बेर के फलों में कीड़े पड़ जाते हैं ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में उसका प्राइस नहीं मिल पाता या अपन भी नहीं खा पाते हैं उसको ठीक है तो उसमें क्या होता है कि कैसे देख पाते हैं जैसे कि फल है तो फल तो या तो समय से पहले पक जाएगा और या उसके क्या है कि फल का आकार जो है वो डिफॉर्म हो जाता है यानी कि फल जैसे पूरा गोल है तो गोल नहीं रह पाता कहीं से टेढ़ा मेठा फल दिखाई अपने को देगा ठीक है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन नॉर्मली अपने को देखने को मिलता है यही प्रॉब्लम्स मतलब हमें बहुत बार आती है कि यार इस बेर के अंदर फल कैसे मतलब बेर के अंदर कीड़ा के चला कैसे गया ठीक है ना तो क्या होता है कि इसके अंदर एक मक्खी आती है जिसको अपन फल मक्खी कहते हैं ठीक है ठीके? फल मक्खी क्या करती है वो अपने अंडे देती है और अंडे ही जो अंडे कहाँ देती है फल के अंदर देती है तो बाद में जब अंडों से जो कीड़ा निकलता है वो पूरे फल को क्या करता है जैसे ये फल है ठीक है तो फल के अंदर जो इसका स्टोन रहता है ठीक है स्टोन के आसपास का एरिया उसका जो कीड़ा होता है वो खाता रहता है और बाद में बाहर निकल जाता है और एक छेद बनकर देखना छोटा सा छेद दिखाई देगा फल के ऊपर कहीं साइड में छोटा होता है वो बंद होता है बाद में ठीक है लेकिन एक काला काला सा छोटा सा धब्बा दिखाई देता है वहाँ से वो कीड़ा बाहर निकल जाता है ठीक है तो आज अपन समझते हैं कि ये फल के अंदर कीड़ा आता कैसे है और इसका अपन इलाज कैसे कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका फल के लिए जो कीड़े का लाइफ साइकिल है यानी उसका जीवन चक्कर क्या होता है वो अपने को जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो क्या है इसके लिए अपन ये देखेंगे कि जैसे ही फूल हुआ ठीक है पौधे के ऊपर फूल आए फूल आने के बाद जैसे छोटे छोटे फल बनने स्टार्ट होते हैं ठीक है छोटा सा जैसे बेर के अपना मटर के आकार का जब फल बन जाता है उस वक्त क्या होता है कि इसकी जो फल मक्खी होती है वो आती है और फल मक्खी जैसे ये मटर के आकार का फल है ठीक है तो यहाँ आएगी इसको कुरेदेगी इसके अंदर एक से दो एम एम एक से दो एम एम यानि कि बहुत छोटा सा करेगी और यहाँ से एक या दो अंडे एक से लेके दो अंडे ही अंदर देती है खुरदती है इसको खुरद के इसके अंदर अंडे देती है और इसको थोड़ा सा बंद करके चली जाती है ठीक है फिर क्या होता है जैसे फल का आकार तो छोटे से बड़ा होता चला गया ठीक है और उसके बाद क्या है कि इसके जो अंडे होते हैं वहाँ से सात आठ दिन में अंडों से आ, जो अपने सुंडी अपन कह दें जिसको कीड़ा कहें छोटा वो बाहर निकल जाता है और बाद में जो जैसे ये आ, मैंने बताया ना कि ये जो इसकी स्टोन होता है इसका अंदर का गिटक जिसको अपन बोल देते हैं उसके आसपास का एरिया ये खा जाता है ठीक है खा जाता है और अंदर पूरा फल समय से पहले पक जाएगा जैसे पकने का टाइम तो एकदम तो पूरा मेच्योर फल हो जाए बड़ा फल हो जाए उसके बाद पकता है लेकिन क्या इसमें पहले ही फल पक जाएगा और फल का जो साइज़ है शेप है फल की वो डिफॉर्म हो जाती है तो बाद में ये खा के और बाहर मेच्योर होकर बाहर निकल प्यूपा अवस्था से सुंडी से बाहर निकल जाएगा और ज़मीन के अंदर चला जाता है जमीन के अंदर जाके 10-15 सेंटीमीटर की गहराई पे जमीन में चला जाता है और वहाँ फिर ये रहता है पंद्रह से बीस तीस दिन के अंदर वहाँ से मेच्योर होता है और फिर बाद में मक्खी बन के बाहर आ जाता है ठीक है ये इसका जीवन चक्कर होता है और ये सर्दियों में ज़्यादातर अटैक करता है जैसे ही बेर आएगा ठीक है अब ये देखिए कि अपन जैसे ये आया तो अब आपको पता चल गया कि कीड़ा इसके अंदर एंट्री कैसे करता है लेकिन अभी हमारे लिए जो मुख्य बात है कि इसको कंट्रोल कैसे करें तो कंट्रोल करने के लिए यही होता है कि जब अपने को पेड़ के ऊपर अपन 70 परसेंट के आसपास अपने को दिखे कि बेर के ऊपर 70 परसेंट बेर दिखाई दे रहे हैं अपने को और मटर के आकार के हैं ठीक है उस वक्त अपने को इसके ऊपर स्प्रे करनी है जिसके लिए अपन काम में ले सकते हैं नंबर वन है डाएमिथोट ठीक है डायमेथोट जिसको अपन रोगोर के नाम से जैसे कंपनी में आता है रोगोर कम रोगोर दवाई आती है जिसको जिसका अंदर का कंटेंट डायमोथेट डायमोथेट तीस सीसी होता है ठीक है ये अपने को दो एम एल एक लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे करना है ठीक है अब दूसरा है इसके अंदर अपन काम इमीडा क्लोप्रिड इमिडा क्लोप्रिड ठीक है इमीडा क्लोप्रिड कई कंपनियां कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं मैं सिर्फ आपको कंटेंट का नाम बता रहा हूँ ठीक है अभी हिंदी में भी लिख देता हूँ इमीडा क्लोप्रिड ठीक है ये अपने को ज्यादा नहीं सिर्फ आधा एम एल आधा एम एल एक लीटर के अंदर मिला के इसको स्प्रे करना है ठीक है तीसरा है इसका अपन ले सकते क्लोर पायरिफोज ठीक है क्लोर पायरिफोज इसको अपन क्लोर पायरी फोर्स इसको भी काम में ले सकते हैं ठीक है तो ये अपन काम में लेंगे दो एम एल एक लीटर पानी के अंदर तो ये सभी एक साथ नहीं जैसे अपन ने क्या किया वैसे तो क्या करते हैं नॉर्मल अपने पास एक ही इंसेक्टिसाइड होता है तो अपन डायमिथो तो अपने पास है तो डायमिथोट अपन स्प्रे कर दें तो ये करना है जैसे आज किया तो आज एक एक बार तो आज हो गया फिर पंद्रह दिन के बाद हो गया फिर पंद्रह दिन के बाद हो गया तो पंद्रह बीस दिन का गैप रखना है एक बार करना एक बार तीन स्प्रे करनी है उसके बाद इसके अंदर कीड़े नहीं आएंगे ठीक है तो क्या है ये पहली बार ये अपन मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूं आज अपने डायमेथोड स्प्रे किया फिर पंद्रह दिन बाद इमीडिया क्लोरफीड कर रहे हैं फिर पंद्रह बीस दिन बाद अपन क्लोर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो कीड़ा है मक्खी है उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर क्रिएट नहीं होती और वो मर जाएगा ठीक है और अगर, अगर अपन एक ही बार बार छिड़काव करेंगे तो उसमें क्या उसको उसकी आदत पड़ जाती है ठीक है और उसके बाद उसका कोई वो दवाई उस कीड़े के ऊपर असर ही नहीं कर पाती डायमेथोट बार बार छिड़केंगे तो उसके अंदर रसिस्टेंट आ जाएगा और वो बाद में मक्खी मरेगी ही नहीं तो इसीलिए अलग अलग दवाइयाँ काम में लेते हैं लेकिन घर में क्या होता है कि अपने खेत में एक ही दवाई पड़ी हुई तो अपन सोचते हैं कि अपन इसी दवाई से इसी दवाई को काम में लें और कीड़े को मार दें तो वो भी अपनी सहूलत के हिसाब से आप कर सकते हो लेकिन सही तरीका यही इसका रहता है तो इससे कीड़ा मर जाएगा और फल के अंदर अपने कीड़े अपने को दिखाई नहीं देंगे ठीक है थैंक यू बस धन्यवाद Oh.